Now, the most important thing that we need to understand, that I'm going to talk about gym hygiene and gym etiquette. Obviously, अगर आप सोचोगे ये इतना important क्यों है, तो आप सोचिए अगर अभी हमें कोरोना से बचने के लिए we have to wear a mask, we have to make sure that we don't touch with our contaminated hands to our face. तो आप सोचिए जिम में, जैसे कि अभी मेरे को बहुत पसीना आ रहा है, तो what will I do? I'm going to wipe myself up. And throughout the workout, if I do even more intense workout, then obviously I'm going to sweat even more and I will want to wipe it constantly. ठीक है, तो constantly चेहरे को हाथ जिम में हम लगाते हैं. यही एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जिम में सारे जो इक्विपमेंट्स है, डम्बल, बारबेल, आपका कोई भी मशीन का हैंडल हो, या फिर आप बॉक्सिंग भी कर रहे, तो हम ग्लव्स, जो बॉक्सिंग के ग्लव्स होते हैं, वो रीयूज करते हैं. तो मतलब सेम ही इंसान पहले 1 घंटे यूज करेगा, फिर दूसरा इंसान. ठीक है, तो देर आर ऑलमोस्ट ऑल द इक्विपमेंट्स विच यू आर कॉन्स्टेंटली टचिंग एंड वी डोंट नो, मतलब हमें पता नहीं है कि किस किस ने इसके पहले उसको टच किया है, राइट? तो मतलब जिम तो मतलब ये रेड जोन है इन अ वे. मतलब जिम में जितने इन्फेक्शन हो सकते हैं कोई भी डिसीज के, नॉट जस्ट कोरोना, जिम में जितने इन्फेक्शन हो सकते हैं उतने कोई दूसरे जगह पे हो नहीं सकते. जिम में 95% ऑफ द टाइम्स एसी ऑन रहता है, पूरी की पूरी हवा अंदर ही रहती है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, स्पेशली इफ यू आर समबडी, मतलब सारे ही लोग उसी ऑलमोस्ट टाइम स्लॉट में जिम में जाते हैं. एक तो मतलब ऑफिस के पहले या ऑफिस के बाद, तो बहुत सारी भीड़ एक पर्टिकुलर स्लॉट में ही जिम में होती है. एंड कॉन्स्टेंटली वी वॉन्ट टू वाइप आर सेल्फ एंड वी आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू टच जहां पे बाकी लोगों ने बहुत बार टच किया है. ठीक है, तो इसलिए अभी हम जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं नॉर्मल केस में, इवन अगर हम बाहर ग्रोसरी लाने के लिए भी जा रहे हैं, तो हम जितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं उससे कई ज्यादा, मतलब 10 टाइम्स मोर प्रिकॉशंस हमको रहना है जब हम जिम के बारे में सोचेंगे भी. अभी तो सोचना भी नहीं है जब तक रिस्ट्रिक्शंस ओपन नहीं हो जाते. बट क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिम तो बंद रहेंगे, तो वो तो 100% फॉलो करनी ही है. जब तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि इस पर्टिकुलर एरिया के जिम खोलो, तब तक तो सोचो भी मत आप जिम जाने के लिए, तब तक तो आपको घर पे ही वर्कआउट करना है. और उसके उसके साथ जब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो लोग ये मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे सोसाइटी के जिम में आजकल कोई नहीं आ रहा है, तो क्या मैं जाके वो यूज करूं? तो क्या बोलोगे आप उसे? ना, सिंपल प्लेन नो. जो भी जिम, स्विमिंग पूल्स, ग्रुप क्लासेस पे रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारे के सारे आपके सोसाइटी के जिम में भी अप्लाई करते हैं. सिर्फ आपके घर के अंदर अगर कोई चीज है, जो आपका पर्सनल कोई सेटअप है, तो वहां पे आप जाके वर्कआउट कर सकते हैं. लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके घर में और भी 3-4 लोग उसको यूज कर रहे होंगे, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग द प्रिकॉशंस. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑल द प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक. फर्स्ट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि स्ट्रिक्टली जब तक प्रोहिबिटेड है ये एरिया, तब तक सोचो भी मत वहां जाने के लिए. ठीक है, सेकेंड चीज, कभी भी थोड़ी सी भी आपको कुछ भी हो रहा है इन जनरल, है ये सिर्फ अभी तक जबकि कोविड-19 का इन्फेक्शन है तब तक की बात नहीं कर रही, इन जनरल आपको थोड़ा सा भी इलनेस है, थोड़ा सा भी सिकनेस है, जब आपको लगता है यार मेरा मतलब बॉडी एक हो रहा है, या मेरे को सर दर्द हो रहा है, या जो भी है, या थोड़ी सी सर्दी खांसी लग रही है, या कुछ भी छोटा सा आपको इलनेस लगता है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन कोई तो ओवर द काउंटर दवाई ले लेते हैं, कुछ तो अपने पास जो होता है ना मेडिसिन, वो खा लेते हैं, और आपको लगता है आपको कुछ हो ही नहीं रहा है. नहीं, आप दवाई ले रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि आप नहीं है, यू आर अनवेल, या फिर आपको लग रहा है कि क्या मैं दवाई लूं, लेनी चाहिए क्या मुझे. अगर आपके दिमाग में ये डाउट भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट वेल. ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर नॉट सपोज टू गो टू द जिम एंड वर्कआउट. एक तो चीज, किसी को इन्फेक्ट नहीं करना है हमें, दूसरी चीज, हमें अपने आप को भी तो नहीं हार्म करना है. जब ऑलरेडी आप सिक हो, तो वॉट इज द पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट? वर्किंग आउट में हम क्या करते हैं? वी ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन ऑलरेडी आपके बॉडी में एक ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस चल रहा है, जो है डिसीज या जो भी आपका इलनेस है, ऊपर से और एक चीज ऐड करने की क्या जरूरत है? तो वेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू इज अ मॉडरेट रिलैक्सिंग रूटीन द वे वी डिड राइट नाउ, या इससे भी, हमने लिटरली 20 ऑलमोस्ट वर्कआउट किए हैं फ्रॉम द पॉइंट वी स्टार्टेड. सो यू कैन ग्रैब एनी ऑफ दैट वर्कआउट, विच एवर यू फील इज कंफर्टेबल फॉर यू दैट डे, जस्ट परफॉर्म इट एट योर होम. ठीक है, डोंट गो टू जिम, अगेन आई एम सेइंग डोंट गो टू जिम.
थर्ड थिंग, हाँ ये रूल एक्चुअली हर जिम में होता है लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, स्पेशली सोसाइटी के जिम में तो लोग ऐसे ही बिंदास चले जाते हैं। आउटसाइड शूज आरंट अलाउड इन साइड जिम्स, राइट? तो आप कैसे जाते हो फिर आउटसाइड शूज पहन के जिम में? आप गए हो कभी ना कभी, झूठ मत बोलो मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आपके जो जिम के शूज है वो जिम में ही सिर्फ यूज होते हैं, उनको इंडोर शूज बोलते हैं, जो कभी भी मतलब बालकनी में भी नहीं पहनने आपको, या लॉबी में भी पहन के नहीं जाना है, सिर्फ जब आप जिम के अंदर आओगे आपके बैग में वो शूज रहेंगे, आप उसको रिप्लेस करके पहनोगे, उसका मतलब होता है कि इंडोर, ठीक है? तो वो इंडोर शूज पहन के यहाँ वहां घूम के आए, जस्ट बिकॉज कीचड़ नहीं लगा है आपने बोला ये क्लीन है और आप अंदर आ गए, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स तो मतलब बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा अगर आप आउटसाइड शूज पहन के जिम में अंदर आ गए। जिम जब मैं बोलूँ, फिर से बोल रही हूँ कि सोसाइटी के जिम पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद है कि हाँ, व्हेन यू एंटर यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सोप थरली, एंड वंस यू वॉश योर हैंड्स यू नीड टू रिमेंबर यू आर नॉट सपोज टू टच योर फेस, ठीक है? क्योंकि एक बार अगर आपने हाथ धो लिया और फिर से टच किया तो क्या फायदा फिर, ठीक है? तो आपको वॉश करने हैंड्स वेरी थरली, और उसके बाद आपको यह याद रखना है कि अब ये मेरे हैंड क्लीन हैंड है। नाउ इफ आई टच एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, तो ये क्लीन हैंड नहीं बचेंगे, राइट? तो अगर फिर से मेरे को ऐसे लग रहा है कि आई हैव टू वाइप माई स्वेट, तो आई हैव टू फर्स्ट अगेन वॉश माई हैंड्स। तो द वे यू कैन डू इट इज डोंट रिमूव योर वॉटर बॉटल एंड डोंट रिमूव योर टॉवल फ्रॉम योर बैग, कीप इट इन योर बैग इन साइड द वॉशरूम इट सेल्फ, जो भी आपको लॉकर मिलते हैं उसी के अंदर ही रखिए, और हमेशा आपको जब भी यूज करना है, पानी पीना है, मेक श्योर यू गो टू वॉशरूम, यू वॉश योर हैंड एंड देन ओनली यू टच योर टॉवल और टच योर वॉटर बॉटल। ऑब्वियसली अब ये पॉइंट मुझे बोलना पड़ेगा कि नो शेयरिंग ऑफ वॉटर बॉटल, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे जिम्स में कभी कभी तो मतलब एज अ फैसिलिटी दे प्रोवाइड यू वॉटर बॉटल्स ना, जहाँ पे सभी उसी वाटर बॉटल से पानी पी रहे, तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। तो नो शेयरिंग ऑफ वाटर बॉटल्स, ऑब्वियसली नो शेयरिंग ऑफ टॉवल्स, आई होप नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअली अगर देखा जाए कि 100% आपको सेफ रहना है, तो नॉट जस्ट कि मतलब टच करने के बाद सिर्फ वॉश करके ही आप यूज करिए, द बेस्ट थिंग इज आप एवरी इक्विपमेंट के जो सर्फेसेस है उनको डिसइनफेक्ट किए बिना मत यूज कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं उतने क्या सब लोग ले रहे हैं। तो ऑल्दो इट फील्स लाइक लॉट ऑफ पेन कि मतलब यार मेरे को हर मतलब मेरे को डम्बल भी उठाना है तो भी क्लीन करना पड़ रहा है, बट क्या मतलब क्या आपके पास दूसरा क्या अल्टरनेटिव है? क्योंकि आपको अगर 100% श्योर होना है, मतलब सब लोग अपने हाथ क्लीन करके ही आएंगे और फेस को ना लगाए बिना वर्कआउट करेंगे, तो देन वी आर गुड, बट देन वी नो कि नहीं सब लोग ऐसे फॉलो करते हैं, मतलब करना तो चाहिए आइडियल केस में, बट अब प्रैक्टिकल केस में क्या होगा अगर आप कॉमन एरिया यूज कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ की और आपके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर है, तो मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर टचिंग इट इज डिसइनफेक्टेड, ठीक है? द नेक्स्ट वन, हाँ, तो जब तक ट्राई कीजिए, और ये जिम ओनर के लिए और मैनेजर्स के लिए भी है इन अ वे, कि नॉट नेसेसरीली ओनली फॉर क्लाइंट, कि आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप बिना एसी के जिम में वर्कआउट करेंगे, ठीक है? इन अ वे इट्स ऑल्सो गुड सो दैट योर बॉडी हैज द हैबिट ऑफ एडजस्टिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर, कि हमेशा एसी में बैठ के आपकी बॉडी खुद स्वेट करके आपका टेम्परेचर मेंटेन करना भूल ना जाए, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट मेक श्योर कि मतलब आप जितना वेंटिलेटेड हो वो स्पेस उतना बेटर आपके लिए, तो एसी अवॉइड कीजिए, that is something we all have to do, okay? And as a gym, again ye gym owner ke liye manager ke liye dono ke liye applicable hoga ki kuch to abhi humko rethink karna padega, kyunki we have to follow this social distancing inside the gym as well, kyunki ab gym mein aisa nahi ho sakta ki yahan pe main workout kar rahi hu, baju mein aur koi workout kar raha hai, samne koi aur workout kar raha hai, kyunki fir infection ka khatra bahut zyada badh jayega, to we will have to figure out ki hum kaise wo slots mein divide karenge ki ek sath ek time pe gym mein itne hi log ho aur wo sare precautions leke hi equipments ko touch kare, theek hai? To aap gym goer bhi ho to make sure that you are going in such a slot that there are not too many people crowding the place, theek hai? Uske baad ha to uske baad to ye hai ki
अभी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सबको लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी समटाइम्स आई फील कि मैं कब जाऊंगी जिम. सो डोंट ऐसे लूज पेशेंस, क्योंकि ऐसे लग रहा है देख के कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. इवन वंस द कर्फ्यू लिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक हमको इन जनरल हमारा जो भी सोशल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ने वाले हैं, और उससे 10 गुना ज्यादा प्रिकॉशंस हमें जिम के बारे में लेने पड़ने वाले हैं. सो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग दिस चेंज, लेट अस एक्सेप्ट कि बहुत ऐसा होने वाला है कि हमें घर पे ही ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करने पड़ने पड़ने वाले हैं. और घर पे जैसे अभी ये सीरीज मैंने मॉडरेट वर्कआउट की थी, उसके बाद पीरियोडिकली आई एम गोइंग टू अपलोड सम इंटेंस वर्कआउट्स फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एट अ एथलीट लेवल. तो आपको उससे ये पता चलेगा कि जस्ट बाय यूजिंग वेरी स्मॉल इक्विपमेंट्स जैसे TRX या फिर वाइपर हो या सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस बैंड्स, दीज आर वेरी मतलब बहुत ही छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं घर के सेटअप में, 10x10 के रूम में आप यूज कर सकते हैं उसको. और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल भी होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बैंड या छोटे छोटे वेट्स जो होते हैं, एंकल वेट्स, ऑल दैट दैट इज वेरी इनएक्सपेंसिव. और अगर कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरी केस है, क्योंकि आई वॉज ऑन अ वेकेशन एंड देन द लॉकडाउन हैपेंड, सो आई लिटरली डोंट हैव एनीथिंग विच यू मस्ट हैव सीन. सो बट नो मैटर कि मतलब आपके पास कुछ है या नहीं, आपकी बॉडी तो हमेशा आपके साथ होने वाली है, तो आपका बॉडी वेट तो आपके पास है ही वर्कआउट करने के लिए. सो जस्ट बाय यूजिंग योर ओन बॉडी वेट यू कैन गेट अ वेरी इंटेंस एंड बेटर वर्कआउट देन योर जिम इक्विपमेंट्स. सो ट्राई लाइक थिंकिंग ऑन दैट ग्राउंड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट नाउ. मतलब अभी आप में से कुछ लोग होंगे जो ऐसे बोले कि यार मेरा सिर्फ जिम में ही वर्कआउट होता है. देर आर फ्यू पीपल, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स हु आर लाइक कि नहीं, घर में वर्कआउट करने में नहीं मतलब मजा नहीं आ रहा है. बट मजा तभी आएगा जब आप ट्राई करोगे उसको 100%, और आपका 100% आप दोगे उस वर्कआउट को. ठीक है, तो दैट इज इट. नाउ कमिंग टू एटिकेट्स, थोड़े फनी होंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है जिम एटिकेट, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं लोग इसको ना करते हुए. पहला चीज, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस. मतलब अभी अभी तो सैनिटाइज करनी है हर चीज, बट इन जनरल भी बहुत लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं अपना टाल भूल जाते हैं लेके नहीं जाते, या फिर जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं अगर उसमें स्वेट है तो दे जस्ट वॉक अवे. हाँ, तो ऐसे नहीं करना है. जो आपको जैसा क्लीनलीनेस आप एक्सपेक्ट करोगे उस इक्विपमेंट से, आपको रिटर्न में भी वही करना है. मतलब इफ यू एक्सपेक्ट अ क्लीन मैट आपके यूज के लिए, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने यूज करने के बाद आपने वो मैट भी क्लीन करके ही दिया है किसी और को. अप्लाइज अगेन अगेन टॉकिंग अबाउट शूज, क्योंकि ये बहुत लोग मिस करते हैं, नो आउटसाइड शूज इनसाइड द जिम. जितना आप क्लीन रखेंगे जिम को उतना आपके लिए भी अच्छा है, और उतना आपके साथ जो वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है. दूसरा एटिकेट है कि बी अ टीम प्लेयर. मतलब अभी ऐसा होगा ना, वी हैव टू लाइक नाउ कोऑपरेट एंड बी, क्योंकि कुछ हमें एक स्लॉट में हम बहुत लोग नहीं जा सकते, राइट? तो हमें कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा. सो बी अ टीम प्लेयर, मतलब बी कंसिडरेट अबाउट अदर्स नीड्स एज वेल. मतलब कि जिम में जा रहे हैं हम, तो डोंट हम ही वो मुझे ही सिर्फ ट्रेडमिल यूज करना है, तो अभी मैं 1 घंटा मैं ही खुद ये ट्रेडमिल यूज करूंगी, ऐसे मत कीजिए. या फिर आप जो भी इक्विपमेंट है उनको रीरैक करना मत भूलिए, जहां से आपने इक्विपमेंट लिए वहीं पे आपको रखनी है वापस जाके. तो ये बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम टीम प्लेयर, कि हमेशा याद रखना है कि किसी और भी, कोई और भी ये चीज यूज कर रहा है, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एज वेल. तो अगर आपको जो भी किसी दूसरे को अगर वही स्लॉट आप पॉसिबल है, तो आप सोचिए कि क्या मेरे को फ्लेक्सिबल है मेरा वर्क आवर्स, तो कैन आई गो इन टू इन अ डिफरेंट स्लॉट. सो बी अ टीम प्लेयर, वी हैव टू डू दिस टुगेदर. ठीक है, थर्ड थिंग इन जिम एटिकेट इज, हाँ आई डोंट नो वेदर वी कैन से एस ऑन दिस, बट आई थिंक वी कैन. इट इज नॉट ना ये कोई सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो थर्ड थिंग इज डोंट बी एन एस. बाय दैट व्हाट आई मीन इज, अगर कोई नया आ रहा है, नया बंदा या बंदी जिम में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम वर्कआउट के लिए, कोई अंकल आ रहे हैं, कोई आंटी आ रही है, तो वो न्यू है ना, तो उनको सारी चीजें नहीं पता रहती है. तो डोंट लाफ एट देम, क्योंकि करते हैं, झूठ मत बोलिए. यू लाफ एट पीपल, यू जज देम, सो डोंट डू दैट. रिमेंबर कि आप भी कभी बिगिनर थे, आपको भी कभी कभी कुछ चीजें पता नहीं थी कि इस ट्रेडमिल को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके सेटिंग कैसे होते हैं, या आपने भी जब वर्कआउट स्टार्ट किया था तो आप भी, आपके भी जो फॉर्म था वो अच्छा नहीं था, एंड यू यूज टू स्ट्रगल विद बेसिक बेसिक थिंग्स. सो डोंट जज पीपल, डोंट बी एन एस, डोंट लाफ एट पीपल, एंड बी कंसिडरेट.
ठीक है, ट्राई टू हेल्प देम इफ दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट. चौथा पॉइंट है कि हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है क्योंकि इसका मतलब मैं इसको मैं बहुत झेला है, इस चीज को मैंने. तो ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है कि व्हेन इन यू आर इन द जिम, मतलब जिम में तो एटलीस्ट, मतलब बाहर भी इफ यू एक्ट लाइक दैट वेल एंड गुड, बट व्हेन यू आर एंटरिंग द जिम बी अ लेडी और बी अ जेंटलमैन. इसका मतलब ये है कि आपको कितना भी लगे, सो डोंट स्टेयर एट समवन एल्स हु इज वर्किंग आउट. स्पेशली मतलब लड़कों को ये आदत होती है कि दे थिंक कि मतलब अगर लड़की आ रही है वर्कआउट के लिए तो हमें तो उनको ताड़ना ही है, मतलब हमारा ये काम ही है यहाँ पे वर्कआउट करते करते कि हम उनको अनकंफर्टेबल करें. तो ये कभी भी नहीं करना है. एवरी वन कम्स टू द जिम टू गेन बेटर हेल्थ, बेटर फिटनेस. तो यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी कि जो जब भी वर्कआउट कर रहे हैं तो गिव देम देयर प्राइवेसी, डोंट मेक इट अनकंफर्टेबल फॉर देम. क्योंकि फॉर सम पीपल हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जिम इट इज ऑलरेडी अनकंफर्टेबल, सो डोंट मेक इट मोर अनकंफर्टेबल. तो लड़कियों को या लड़कों को, आई एम नॉट, बोथ वेज हो सकता है, तो ताड़ना नहीं है उनके लिए, जिम के बाहर रुकना नहीं है, उनको जिम में फॉलो नहीं करना है, उनको बार बार उनसे कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करनी है. आप जिम में जाते हो वर्कआउट के लिए, गो डू योर वर्कआउट एंड कम आउट. ठीक है, सिंपल. लास्ट फिफ्थ चीज है जो थोड़े थर्ड पॉइंट से रिलेट करती है. मैंने बोला था हेल्प आउट कीजिए एक दूसरे को, कि उनको बताइए कि इस इक्विपमेंट को कैसे यूज करते हैं, इसका सेटिंग कैसे करते हैं, ये वो, अगर आपको ऑलरेडी पता है. बट डोंट ट्राई टू ट्रेन देम. इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेनर नहीं है तो नो मैटर आप कितने साल से जिम कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपने ये चीज, ये साइंस नहीं पढ़ा है, आपने कोई भी क्लासरूम कोर्स अटेंड नहीं किया है, ना ही आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं, ना ही आपने किसी को ट्रेन किया है, ना ही आपने कोई एग्जाम पास किया है, तो अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया है, सो डोंट ट्राई टू बी अ ट्रेनर, लीव दैट जॉब टू अ ट्रेनर. क्योंकि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, आपके जो सजेशंस है जो आपने व्हाट्सएप या इंटरनेट से या कहीं किसी से कहीं सुनी से जो सीखे है ना, वो आधे अधूरे और मिसइंफॉर्मेशन वाले होते हैं. सो प्लीज एंड प्लीज लीव दैट जॉब टू अ ट्रेनर. ट्रेनर को करने दीजिए वो काम, आप ट्रेनर मत बनने की कोशिश कीजिए. बिकॉज जस्ट बाय लाइक जिमिंग फॉर 20 years, 30 years, 50 years, यू डोंट क्वालिफाई एज अ ट्रेनर. उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, उसके लिए एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं. तो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस. डोंट, मतलब आप बहुत अच्छे इंटेंशन से भी बताएंगे लेकिन उनका फायदा होने की जगह आप नुकसान ही करेंगे. तो ये चीज याद रखनी है. नाउ अगेन कमिंग बैक टू वर्किंग आउट एट होम, वी हैव टू मेक पीस विथ इट. आई नो इवन आई एम स्ट्रगलिंग, बट वी हैव टू फाइंड आउट वेज टू वर्क आउट एट होम. वी हैव टू लाइक यूज दिस ऑनलाइन फैसिलिटीज टू एनकरेज ईच अदर, क्योंकि जिम में ही वो एक कम्युनिटी वाला फील होता है, तो वो अभी हमें ऑनलाइन में भी लाना पड़ेगा. दैट वी एनकरेज ईच अदर, वी वर्क लाइक अ कम्युनिटी. एंड अगर आप, और एक चीज होती है जिम में कि आपको ट्रेनर अवेलेबल रहता है, जो यूजुअली अब घर पे वर्कआउट में नहीं अवेलेबल होता है, बट दैट इज चेंजिंग बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेनर्स आर नाउ ट्रेनिंग ऑनलाइन. तो टेक देयर हेल्प, सो टेक सेशंस विद देम एंड वन ऑन वन सेशंस लीजिए. और उसके बाद अगर आप ज्यादा ज्यादा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होते हैं तो देन यू कैन डू मोर एंड मोर इंडिपेंडेंटली एंड विथ लेस हेल्प फ्रॉम द ट्रेनर. क्योंकि आपको जो भी लग रहा है रिस्ट्रिक्शंस की क्या ही होगा घर पे, तो वो बिल्कुल भी गलत है. बॉडी वेट इज द बेस्ट इक्विपमेंट दैट यू कैन यूज टू वर्कआउट. एंड देन देर आर स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट्स विच यू कैन यूज. आई एम गोइंग टू पोस्ट पीरियोडिकली अबाउट दैट, सो दैट यू गेट टू सी हाउ यू कैन यूज समथिंग वेरी सिंपल फॉर एन इंटेंस वर्कआउट. स्टार्टिंग कल हमारा ये सीरीज खत्म होगा, उसके बाद पीरियोडिकली आई विल कीप पोस्टिंग अबाउट दैट. सो कीप फॉलोइंग दोज रूटीन्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, ऑलवेज फील फ्री टू मैसेज मी. एक ही चीज है, मैसेज करते टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाय हेलो ना, पहले आपका प्रॉब्लम या क्वेरी डालो. क्योंकि फिर बहुत मैसेज आते हैं और फिर उसमें से फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल होता है. मतलब पता नहीं चलता कि किसने सिर्फ ऐसे मतलब कोई प्रॉपर क्वेरी किसको है और सिर्फ जान पहचान के लिए कितने लोगों ने किए. या कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को हम पहले मिले होते हैं, हम भूल जाते हैं, बट देन दे मैसेज. तो ये सब फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है. सो इफ यू हैव अ क्वेरी, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू हैव यू नीड हेल्प, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड से कि ये इसके बारे में मेरे को एडवाइस चाहिए या इसके बारे में मेरे को हेल्प चाहिए.